मार रहे फिर साइड में ब्रेक नहीं मार। घर निकले उसके बाद के कारण ना कुछ नहीं हो पा। समय थोड़ी सी ऑफ रोडिंग छोटी गंगा बह रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज हम चार दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, वो भी मोटो व्लॉग, क्योंकि हमको ना दो तीन दिन के लिए टाइम ही नहीं था, इधर उधर व्यस्त थे, जिसके कारण व्लॉग शूट नहीं हो पाया और मुझे लग रहा था कि आज भी नहीं हो पाएगा। बाकी मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में प्लान बनाऊँ, मॉर्निंग में शूट करने जाऊँगा, पर मॉर्निंग में भी नहीं हो पा रहा था। फाइनली अभी टाइम मिला है, तभी जा रहे हैं, अभी जा कहाँ रहे, डीमार्ट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लाना था। मैंने सोचा शूट भी कर लेंगे थोड़ा बहुत और डाल भी देंगे, और आज का प्लान देखते हैं। शाम को बहन लोग आई है ना, तिनको ले जाने का है पीपुल्स मॉल। तो अगर पीपुल्स मॉल गए तो आपको वहाँ का भी व्लॉग्स मिलेगा, पर इसमें ऐड होके नहीं, अलग से ऐड होके मिलेगा। तो देखते हैं कब जाएंगे यार, अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो शाम को हो सके मैं शिवम को लेके लेक व्यू जाऊंगा, शिवम को लेके या बिट्टी और उसको निधि को लेके लेक व्यू जाऊंगा, क्योंकि गोलू वोलू घूम चुकी है। तो देखते हैं, अभी हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, हमें भी जाना है नहीं जाना है, कभी सबसे चलना है डीमार्ट से एक आध दो सामान लाना है। डीमार्ट भी तीन दिन से जाना था पर वहाँ भी नहीं जा पाए, तभी यही धूप में निकल चुके हैं, धूप बहुत जाता है जिसके कारण मेरा दोपहर में निकलने का इससे मन नहीं होता है। जब आजकल घर से लगता है 5 या 6 बजे निकलो तभी अच्छा, और 6 बजे निकलते 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, दुकान में भी काम रहता है, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा प्लान ना मेरा ये ख़राब हो जाता है। तभी तो निकले हैं धूप पे अभी, क्योंकि कम धूप लग रही है, जब ज़्यादा लगेगी तो नहीं निकलेंगे भाई। तो अभी चलो चलते, पहले डीमार्ट चलते हैं, डीमार्ट से आगे थोड़ा बहुत भटक के आ जाएंगे। सुबह रोड में आके यार दिखता है कि कितने सारे लोग आए हैं ऐसे घूमने भटकने, मतलब कि मतलब अच्छा लगता है यार, इतनी धूप भी नहीं है, सब जॉब वाले हैं, जो कुछ जॉब पे जा रहे हैं, कुछ अपने काम से जा रहे हैं, कुछ कॉलेज तो बंद होंगे अभी, तो बाकी जगह जा रहे हैं, और हम अपनी इस बाइक के साथ घूम रहे हैं, इस बाइक के साथ जो कि इसका भरोसा नहीं है, कहीं बंद हो जाए कहीं कुछ हो जाए। तभी चलते हैं डीमार्ट, देखते हैं डीमार्ट से कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद हो सके अगर आगे जाएंगे तो आगे बताएंगे, नहीं तो देखते हैं। अभी तो भाई साहब धूप के कारण ना कुछ नहीं हो पा रहा है, धूप इतनी तेज है ना कि ना वीडियो शूट हो पाए ना कुछ हो पा रहा है। मैं तो डेली ब्लॉगिंग करना चाहता था, ये साल भी 365 डेज 360 ब्लॉग डालने चाहता था, पर पता नहीं इस साल नहीं हो पा रहा है। पिछले साल एकदम कंटिन्यू लगा था ना, तो इसलिए हो गया था। पिछले साल एक भी दिन गैप नहीं किया, आज दिन भर शूट करके घर पे एडिट करो, और इस बार ना क्या है कि थोड़ा सा हम व्यस्त रह रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो क्या बताएं, ये बस को क्या हो गया 1000 रुपया वाली बस को, भाई साहब देख लो, यही तो एक वो है यार, शान है देश की। मम्मी मेरे को डर लगता है, अरे बाबा ठोक ना दे कहूँ ना, ये रॉन्ग साइड से जो आ रहा है ना सर, स्विंग पर चलान करना चाहिए। अभी मेरे को भी आना है पर मैं उधर घूम के आऊँगा बाक्स में साइड से, समझ रहे हो ना, तो बाकी लोग साला रॉन्ग साइड आ जाते हैं। चलो यहाँ से अंदर चलते, पहले गाड़ी पहले डीमार्ट के काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे इधर तो भाई छोटी गंगा बह रही है, ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा क्या मेरे को तो जाना पड़ेगा। डीमार्ट तो अभी फुल खाली होगा भाई, डीमार्ट में साला एक ठो परिंदा पर नहीं मार रहा होगा, दो चीज लेना है वही दो चीज लेंगे हम, गाड़ी बाहर ही लगाएंगे, कौन अंदर लेके जाए, खाली है भाई पूरा डीमार्ट, आज पूरा डीमार्ट खाली है, पूरी डीमार्ट की पार्किंग सामने वाली खाली है। तो चलो चलते अंदर यहाँ से, भाई डीमार्ट के अंदर आ चुके हैं, अभी यहाँ से चलते हैं, हमें जो लेना है, हमें फेस वॉश लेना है और कोलगेट लेना था मम्मी के लिए, एक कोलगेट लेना था, वही लेते हैं चल के इधर से ही, खाली आज तो कोई नहीं है भाई, दो चीज लेना था, हमें दो चीज ले लिए हैं इसके पास, अभी और भटक रहे देखते हैं क्या लेना है हमें। तो चलो भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर साइड, इसको कपड़े वाले में दिखा देते हैं, और बाल देखे कितने गंदे, एक सो के उठ के चला आया हूँ, टाइम नहीं था हमारे पास तो अभी यहाँ पे, हमें ऊपर तो कपड़ा वपड़ा लेना नहीं है, कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं लेंगे अभी, हम सोचे यहाँ से घर निकले उसके बाद आगे भी चलना है, आगे चले गए कि नहीं चले कभी घर से, आगे कहाँ जाएंगे, बस समोसे खाने हो सके चलेंगे, इसको लेके बाकी घर चलते हैं ठीक है। चलो बाकी बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, दो चीज़ ले लिया हमने, और हमें फ्लेवर वाला नहीं मिला था जो हमें लेना था, स्ट्रॉबेरी वाला मिला है लैक्मे का, चलते हैं फिर ठीक है। सब जा रहे नीचे अपना बिलिंग कराते हैं और निकलते हैं ठीक है, घर घर में जाकर मुझे सामान लाना है, उसके बाद शाम को आज देखते हैं अगर हो चले ठीक है, लेक भी चल लेंगे, गाड़ी लाई लगता है ना, लेक भी चल लेंगे दोनों में। आ चुके हैं अभी हम बाहर और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहले चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और घर निकलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस समय थोड़ा सा अलग अलग एंगल शूट क्या करें, पर नहीं हो पाता है क्या बताएं,
क्योंकि हमको थोड़ा सा ना इस टाइप वाला भी एंगल चाहिए था, जैसे बोलते बोलते जाते हैं और गाड़ी से कि दोनों एंगल रहे आए, तो ऐसा भी एंगल चाहिए पर नहीं हो पाता है। पहले गाड़ी निकालते चलो, उसके बाद आगे चलो। लो भैया निकल चुके हैं दोस्तों अभी यहाँ से, सही है, अभी घर चलना है, अभी तो कुछ काम नहीं है, घर चलने से पहले एक आध चीज़ और लेनी, सामान लेना है यार दुकान का, वो तो भूल ही गया था मैं, तो वहाँ से सामान लेंगे उसके बाद फिर घर चलेंगे, क्योंकि अपने पास ना, अरे गलत रास्ते में आ गए यार, इससे मोड़ते अंदर से चलते हैं ना, अब चलना अपन को वहीं से है, जिसको मोड़ते हैं सीधे वहाँ से चलते हैं, क्योंकि देखो इधर वाला रोड बहुत ख़राब है और गड्ढे 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 दे गड्ढे हैं, तो इधर जाने तो मज़ा आएगा नहीं, इसलिए आगे से चल लेते हैं, क्योंकि आगे जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर जाके ना इस थोड़ी सी वीडियो को एडिट भी कर लेंगे, सही रहेगा, एडिट करके हो सके अगर आज हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं हो पाएगा तो देखते हैं अभी, बाकी तो ओ भाई साहब अरे मैया रे, ये रोड थोड़ा सही है, खटारा है पर ये भी सही है, इतनी खटारा नहीं है ये, जैसे वो उसमें का बड़े बड़े गड्ढे हैं ऊपर से ट्रैफिक लगता है ना इसलिए, और ये अंदर अंदर रास्ता है, अभी ज़्यादातर किसी को पता भी नहीं है, अंदर दुकानें खुल रही हैं, यहाँ भी दुकानें जिम पता नहीं क्या खुल रहा है, तो यहाँ भी खुल रहा है वही चीज़ें। ओए 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 क्या बात है, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, मतलब ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आ रहा, बहुत बढ़िया। यहाँ भाई बहुत सारे घर पर, मैं ज़मीन यहाँ की बहुत महंगी हो चुकी है, हमने भी कभी सोचा था कि यार लेंगे ज़मीन एक इधर साइड, पर अब तो बहुत महंगी, इधर साइड के एरिया में ना देखना बहुत अच्छा लगता है इधर साइड का, देखो क्या इधर साइड सुनसान है, ना ज़्यादा हाईवे ना कुछ है, ना ज़्यादा गाड़ियाँ चलती, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल गाड़ियाँ चलती है, इसलिए रास्ता भी सही लगता है, सुनसान है, कभी न कभार पैसा होगा तो एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेनी है कि जैसी जगह वो हो पाए। ये इधर से चलो, इधर से चलते हैं, कौन उधर से गाड़ी घुसेड़े कार वाले के पास से। बाकी ये देखो एक नया मॉल तैयार हो रहा है, यहाँ सागर घेरे है, शर्मा विष्णु है, चाय सुट्टा बार था पर बंद हो चुका है यहाँ पे, बाकी यहाँ भी सब चीज़ें सागर घेरे, शर्मा विष्णु नहीं है सॉरी, सागर घेरे थे ओनली बस, बाकी यहाँ भी नाइट में मस्त व्यू रहता है, बहुत सारी भीड़ होती है, बस चाय का बंद हो चुका है तो कम भीड़ होती होगी, बाकी सही है। अभी चलना है हमको यहाँ से, लो भाई अभी हम चिनार पे तो आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा राजस्थान जाएंगे, मैं सोचा सुयंग समोसे खिला दो भैया, अंकल अंकल फोन पे बात करो, पीछे ठुक जाती गाड़ी, अभी तुम जो एकदम से ब्रेक क्यों मार रहे हो, फिर साइड में ब्रेक नहीं मार रहे, एकदम से ब्रेक मारो भी घुस जाती गाड़ी, बाजू से कार निकल रही थी, फोन में बात कर लोगे फिर, सूतिया पीछे से ब्रेक मार रहा भाई एकदम, अभी ठुकती तो सारे एकड़े निकल जाते उसकी, फोन पे बात करते तो सोचो कार चलाते, अब क्या बताओ इनको कि फोन में बात करते करते गाड़ी नहीं चलाते, नहीं ठुकती तो मजा ही आता, मैं तो ठोक ही देता हूँ, तो रोक लिया ब्रेक मार दिया हूँ, साला दिमाग खराब कर रहा है। चलो अभी चलते हैं, शिवम ये बता पेस्टी खाना है समोसा खाना है, क्या क्या पेस्टी खाएगा, खा लेते हैं, चल पेस्टी खाते हैं यहाँ पे है ना, एच बी टी पे चलो भैया, एच बी टी पे पेस्टी लेते हैं यहाँ पे गाड़ी रोक के, अभी हम आए ब्राउनीज खाने, ब्राउनीज खाते हैं एच बी टी के अंदर, अंदर बैठ के खाएंगे, चलो चलो भैया यहाँ बैठ के खाएंगे, देख लो भाई हमारी ब्राउनीज आ चुकी है, खाते हैं यहाँ, गाना पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आके निकल चुके हैं, बैठ अब चलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि पिताजी का ही फोन आ चुका है, कब तक आएगा मतलब, बस दो मिनट रुक जाओ आ जाते हैं, चलते हैं, मस्त लगी ब्राउनीज भाई, 70 रुपए के, ज़्यादा महंगी भी नहीं भाई, खाने में मज़ा आ जाता है, मस्त जो गर्म करके देता है, क्या तो लगता है, क्या तो लगता है रे बाबा, मंदिर जय बजरंग वाली। चलो ओ भाई साहब गड्ढे, इतने सारे गड्ढे भैया जी, इतने सारे गड्ढे दोस्तों, तो अभी देखते हैं हमारा क्या प्लान बनता है, वहाँ जाने का नहीं जाने का, जो भी जैसा होता है, तो यहाँ से गाड़ी डाल देते, ज़्यादा ट्रैफिक ना झेलते हुए, रास्ता सही है ना, हाँ मेरे लगा खुद गया है पर सही है, चलो यहाँ डायरेक्ट निकलेंगे आसीमा के जस्ट सामने, थोड़ी सी रोड और टूटी है पर क्या कर सकते हैं हम, हमारी गलती नहीं है ना, सरकार की गलती है,
सरकार पता नहीं कौन से रोडों पे ध्यान दे रही है, कौन से रोडों पे भीड़ बना के डाल रही है। अरे सब बना देंगे रोड, सारी रोड रोड में कमी नहीं महसूस करेंगे। भैया इधर की भी तो रोड देखो पूरी खत्म है। चलो अब चलते हैं फटाक से घर, ठीक है। पहले हाथ में जाना यार सामान लेने भूल गया था, क्योंकि सामान में पापा फोन आ गया और पापा को जाना है यार किसी की मैयत पे, कि कोई ख़त्म हो गया मोहल्ले पे हमारे जाम रहते हैं तो वहीं जाना है पापा को, इसलिए फोन लगा रहे हैं। तो मैं आऊँगा तो पापा जाएंगे, क्योंकि मैं तभी दुकान में बैठूँगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैं फटाफट जाना चाहता हूँ फटाफट, बिना टाइम बर्बाद करे हुए। ओह भाई साहब क्या गाड़ी भर रही है वैसे तेज नहीं लगती है, बस ऐसे रोड में तेज लगती है, बाकी हाईवे भगाऊंगा तो नहीं लगेगी। जहाँ से मैं सामान लिया तो वहाँ सामान भी ले लिया है। देखो हमारे इधर जाते समय ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, कोई ना पर कर लेंगे, बाकी ये ऐसा एरिया दिखता है इसलिए मैं बहुत कम अपनी वीडियो दिखाता, मतलब दिखाता ही नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा मोटर ब्लॉग्स में दिखाया, बाकी नॉर्मल ब्लॉग्स में हल्का फुल्का दिख जाता था, बाकी मोटर ब्लॉग्स में फर्स्ट टाइम दिखा है। और इधर आजकल भीड़ भी रहती है, क्योंकि सारी कॉलोनी गाड़ी यहीं से निकलती है।